रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका ऐसे ही हुशर आबाद रखे। मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना, मुझे भी आप सबके दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो आज की वीडियो में शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। नाश्ता हम कर चुके हैं, तो ये मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग वगैरह करी, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही चुके हैं। तो ये मैं अपने हस्बैंड अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आज मेरा पूरा दिन क्योंकि बिज़ी गुजरना है, इसलिए मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि चाय पीने से थोड़ी मुझ में एनर्जी आ जाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अक्सर दिन का टाइम नींद आ जाती है। तो मैं एक ही हाल मेरे पास होता है, मैं चाय पी लूँ तो फिर मैं सो नहीं सकती कभी। जब तक 24 घंटे नहीं गुजर जाने तब तक मैं सो नहीं सकती है। तो इसलिए मैं चाय पी रही, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, आज मुझे मेरी बहुत सारी दौड़ें लगनी है, घर की सफाई, क्लीनिंग, किचन की सफाई और वॉशिंग मशीन लगानी है मैंने। आज मैं स्टिचिंग नहीं कर रही, तो ये मैंने चाय बना ली। मैंने चीनी डाल दी है, इसमें पत्ती भी डाल दी है और चाय को मैंने पका लिया है। चलिए अब हम इनको डालते हैं। मैंने कप में भी डाल दी है चाय, और ये जो है दूध, ये मेरी बेटी के लिए है। तो मैं हमेशा बड़े मग में चाय पीती हूँ, ये मुझे आदत है। चाहे मैं आधा ही मग क्यों ना पीऊँ, लेकिन मुझसे ना छोटे कप में मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं बड़े कप में ही चाय पीती हूँ। तो मुझे पसंद है इसी में चाय पीना। तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, अभी मैं नाश्ते से फारिग होकर चाय पी रही थी। ये देखिए आप घर की हालत, ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसकी अभी पेंट वगैरह होने वाला, मशीन देखे फुल बटा फुल कपड़ों से बड़ी हुई है। तो आज मैं स्टिचिंग नहीं करी, आज मैं स्टिचिंग से छुट्टी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने करनी है घर की क्लीनिंग। तो सबके घर का यही हाल होता है, मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, हर औरत की जिम्मेदारी यही होती है, सुबह उठो तो घर की क्लीनिंग वगैरह ये वो काम ही नहीं ख़त्म होते पूरा दिन। तो मैं चाय फिनिश करके अपना काम शुरू करने लगी हूँ। तो ये है मेरा पूरा कपड़ों का ढेर जो कि आप देख ही चुके हो। तो मैं एक हफ्ते बाद मशीन लगाती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ढेर जमा हो जाता है। ये कुछ, ये जो पीछे दीवार है, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये दीवार काफ़ी पुरानी है, मेरी दादी सास के ज़माने की है। अब तो वो दोनों फोत हो चुके, दादी सास, दादा ससुर, दोनों को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। तो ये उनके ज़माने का मकान है, तो पेंट भी तब का, यानी काफ़ी देर का किया हुआ है, मैंने ऊपर वाले पोर्शन की सफाई नहीं की। तो ये घाड़े की चुनाई का है, इसलिए इधर से दीवारें खराब हो चुकी हैं। तो मैंने और हस्बैंड ने किसी दिन मिल के ये सारी दीवारें हमने करनी है, इसकी सफाई करनी है, पेंट वगैरह रिपेयर करने हैं। नीचे वाले पोर्शन की तो मैंने सफाई कर ली हुई है, वो ठीक हो गया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले की अभी मरम्मत बाकी है। तो ये मैंने वॉशिंग मशीन में पानी डाल दिया है, मशीन भी चला दी है, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ सर्फ। तो आप मुझे अपनी मॉर्निंग रूटीन बताना, मुझे खुशी होगी, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मैं कपड़ों को अलहदा अलहदा कर रही थी, मैंने कहा चलो वाइट कपड़े में अलहदा कर रही थी, ब्लैक अलहदा कर रही थी, जो प्रिंटेड वाले थे वो अलहदा कर रही थी, ऐसे आसानी हो जाती है। तो बाद में ये बार बार नहीं करने, क्योंकि मैंने दूसरे काम भी करने हैं, तो इसलिए मैंने एक ही दफ़ा सब अलहदा अलहदा करके रख दिए थे, उनको सीधा भी कर दिया था। तो फिर मैंने करनी है किचन की सफाई स्टार्ट। तो मैंने, मेरी आदत है, मैं सीधे ही कपड़े करके डालती हूँ मशीन में, मैं ऐसे नहीं उल्टे पुलटे नहीं कपड़े डाल देती, कैसे पकड़ के बस फेंक दिए मशीन में। तो मैंने वाइट वाले सारे कर दिए हैं अलहदा। तो एक हफ्ते बाद मशीन लगानी होती है, फिर भी इतना ढेर जमा हो जाता है, बेडशीट वगैरह, घर के कपड़े, ऐसे कुशन वगैरह। तो ये है मेरे घर का एक तरफ कोना ही है, तो ये अलमारी है, लेकिन आधी अलमारी रह गई, क्योंकि साथ चाची सास का घर है, तो ये दीवार लगने की वजह से, तो फिर आधी दीवार अलमारी जो है वो उनके घर की तरफ चली गई है। तो मैंने ये दीवार अलमारी जो है किस दिन तोड़ के मैंने इनको नए सिरे से रिपेयर करना है, तब तक के लिए मैंने इनको ऐसे ही यूज़ करी। मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह रखी हुई हैं, तो जब मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को कर लूँगी, ऊपर वाले पोर्शन की जब सफाई कर लूँगी तब आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने नीचे कपड़ों का ढेर लगाया हुआ है, तो मैं इनको तय करके रखने लगी हूँ यहाँ पे। तो चलें करते हैं स्टार्ट तय करना। ये देखिए मैंने सारी बेडशीट, चादरें वगैरह मैंने तय करके रख दी हैं, जब मैं ये अलमारी तोड़ दूँगी फिर मैं सेफ अलमारी में ये सारी चीज़ें रख दूँगी। ये यहाँ पे हैं छोटी चौकी वगैरह रखी हुई है, उसको मैंने सेट कर दिया, और आगे जो है वो कैट वाला कारपेट बिछाया हुआ है,
तो अब यहाँ से तो मैंने कर लिया है ये वाला नीट। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। किचन की हालत भी आप देख ही सकते हो, कैसे बर्तन उलट पुलट पड़े हुए हैं। सुबह के मॉर्निंग में भी यही होता है, क्योंकि पूरा दिन मैंने स्टिचिंग करनी होती है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो मैं रोज़ का रोज़ साफ़ कर लेती हूँ, ऊपर वाले का भी कर लेती हूँ, बर्तन भी रोज़ धो लेती हूँ, झाड़ू वगैरह भी। लेकिन महीने बाद जो होती है वो अच्छे वाली क्लीनिंग करनी होती है। मैंने एक एक चीज़ उठा के एक एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ बर्तनों की धुलाई। तो बर्तन मैंने धो दिए हैं। अब कि चूल्हे की बारी आई, ये चूल्हे का अंदर वाला है, तो यहाँ इसको जंग लग जाता है, जब भी धोती हूँ फिर इसको जंग लग जाता है। वो लोहे का है ना, इसलिए स्टील का नहीं है ना नीचे वाला हिस्सा। तो मैंने चूल्हे के नीचे से भी सारी चीज़ें निकाल दी हैं, चूल्हे को मैं करने लगी हूँ साफ़। ये मैंने साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह यूज़ की थी, मैंने इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, जो बर्तन धोने वाली जाली होती है उसके साथ ही मैं इसको रगड़ के साफ़ कर रही थी। तो मैंने अभी किचन को हमने नए सिरे से रिपेयर करवाना है, इसका कबर्ड वगैरह नए लगवाने हैं, तो इसके पेंट वगैरह भी पत्थर भी लगवाने हैं। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं अब कब करवाना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम करवाएंगे ये काम। बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। ये मैंने किचन की जो शेल्फ है जो मैंने वो साफ़ कर दी है, काफ़ी गंदी हुई हुई थी। आपको पता है रोटियाँ बनानी होती, खाना वगैरह छींटे पड़ी पड़ती रहती घी की, तो सब्जी वगैरह बनाओ ऊपर ही सब कुछ, तो ये शेल्फ ऐसी है कि इसके अंदर ही सब कुछ जम जाता है। तो ये बगैर ब्रश के साफ नहीं, ये दीवार भी आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर भी छींटे पड़ी हुई हैं। लेकिन हमने अनकरीब बहुत जल्दी यहाँ पे मैंने पेंट कर लेना है। तो ये है फ्रिज की साइड वाला कोना, यहाँ पे मैंने ये जो है ना, यहाँ पे मैं नई शीट डालने लगी हूँ, थोड़ा सा पीसेस, ये मैंने सारी चीज़ें उठाने लगी हूँ। यहाँ से कोना मैं खाली करने लगी, ये मैंने कोना खाली करके यहाँ पे मैंने पहले मैंने धोया है इसको, सरफ वगैरह डाल के मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोया है इसको। लेकिन यहाँ पे निशान पड़ गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शीट वगैरह डाल देनी है, ताकि ये नीचे से ऐसे ना लगे। ये मैंने इस कोने में शीट डाल दी है फिलहाल, तो मैंने यहाँ की सफाई कर दी है। अब मैंने चीज़ें इसके अंदर टोकरी टोकरी वगैरह मैंने पहले से धो ली थी, उसके अंदर मैंने कप वगैरह रखे हैं, नीचे वाले जो तीन स्टेप हैं ये टोकरी के, नीचे वाले मैंने कप वगैरह रख दिए हैं, ऊपर मैंने रखी है डिब्बी वगैरह, और नीचे रखे हैं मैंने कप, और ये है छोटा सा जो ऐसे ग्लास सा बना हुआ है, इसके मैं अंदर लेटर वगैरह माचिस वगैरह रखती हूँ, और जहाँ पे मैंने कप वगैरह रख दिए हैं। तो फ्रिज का ये है साइड जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ये बहुत वज़नी फ्रिज है। जब मेरा सामान आया था यहाँ पे इस घर में, तब ये लड़कों का काम है, उन लोगों ने ख़राब कर दी थी, उनसे उठाई नहीं थी जा रही, तो इस वजह से मैंने ऊपर ये आप देखते हो स्टिकर वगैरह मैंने लगा दिए हैं परिंदों के, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और सफाई भी हो गई है, इसलिए सब कुछ नीट नीट लग रहा है। तो आप मुझे बताना कैसा लग रहा है वीडियो, जो मैंने वीडियो बनाई है आज का वीडियो कैसा है। तो ये है परिंदे, और मैंने साथ लगाई है छोटी सी बटरफ्लाई, और ये है नमकदानी जो कि काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, ये मैं तवार बाज़ार से खरीद के लाई थी। ये मेरा छोटा सा किचन है, तो जब मैं इसको रिपेयर करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसका नया लुक। तो बहुत जल्द हम इसकी रिपेयर बस करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये देखें इसके कबर्ड वगैरह बाकी ऊपर पड़े हुए हैं, जो जिनकी कटिंग होने वाली है, और इसके जो नीचे वाले दरवाजे वगैरह वो भी हमने लगाने हैं इधर। तो फिर ये छोटा सा किचन जो अच्छा सा हो जाए, ये जो फ्रिज के फ्रंट पे मैंने कुछ फल वगैरह की पिक्चर लगाई हैं, तो फ्रिज को भी मैंने पेंट करना है किसी दिन, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आना है। ये मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये मेरी बेटी का काम है, जब 14 अगस्त थी तब उसने जड़िए वगैरह लगा के ये हार बना के पड़ो दिए हैं ऊपर। तो मैं इसको कटिंग करने लगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर ताड़े वगैरह बांधी हुई थी कपड़े डालने के लिए। ये है छत का पोर्शन जहाँ पे ये देखे, दरवाजे को भी मेरी बेटी ने नहीं बख्शा। आप देख रहे हैं शाम का टाइम हो गया है, तो ये जो ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं इनको भी मैंने किसी दिन टिकाने लगाना है। तो मैंने सबसे पहले मैंने इसका झाड़ू पोंछा किया, यानी कि मैंने सफाई की। देख सकते हैं आप कितनी डस्ट है, कितना गंद है। मैं तो वैसे छत पे इतना नहीं आती। ये है मेरी चाची सास की सीढ़ी, ये उनका छत है, ये आप देख सकते हो दीवार बीच में लगाई हुई है, नीचे भी ऐसे ही है। तो पहले ये घर इकट्ठा ही था, और ऊपर देखे लोगों में, जब ऊपर आई छत पे इतना शोर था, बच्चों का, लोगों का, लड़कों का, जो कि काइट वगैरह उड़ा रहे, इतना शोर था, शाम का टाइम है, और तो
सब ऐसे ही ना देखे, एक लड़का वो है सामने, एक ये है बच्चा, ऐसे ही जो तभी चढ़े हुए हैं और काइट वगैरह उड़ा रहे हैं। अब मैं क्लीनिंग वगैरह से हो गई हूँ फारिग, तो अब मैं करने लगी अपने कपड़े चेंज, और अब ना फ्रेश होके मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि जब क्लीनिंग वगैरह करो डस्ट ऊपर ही सारी आती है, और जब कपड़े धोए जाते, मशीन लगाई जाती है, तो सारे कपड़े तो गीले हो जाते हैं, इसलिए इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, काम वगैरह ख़त्म, जब पूरा दिन क्लीनिंग करती हूँ, बाद में ज़रूर मैंने फ़्रेश होकर कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं। तो ये है गुलाबी कलर का मेरा सूट, जिसके ऊपर सिल्वर कलर में तिल्ले की कढ़ाई हुई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं उसको, मेरी आदत है कपड़ा नया हो चाहे पुराना, चाहे घर पे ही क्यों ना पहना, मैं उनको प्रेस किए बगैर नहीं पहनती, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे ही कपड़े पहन लेना। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से मैंने बाहर से ही खाना मंगवा लिया था। तो ये है दाल माश, जो कि काफ़ी स्पाइसी थी। तो मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसके ऊपर काम हुआ हुआ है तिल्ले का। तो मैं तो वाइट रोटी नहीं खाती, मैं दूसरी रोटी खाती हूँ। तब चलिए हम खाते हैं खाना, और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।